हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डू इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू डू इंपोर्ट लॉजिस्टिक। यस, लॉजिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप जो है बाय एयर इंपोर्ट कर सकते हो, बाय रोड इंपोर्ट कर सकते हो, बाय सी इंपोर्ट कर सकते हो। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसे हम बोलेंगे लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वन प्लेस टू डेस्टिनेशन प्लेस विथ लीस्ट पॉसिबल टाइम, लीस्ट पॉसिबल वे एंड लीस्ट पॉसिबल मनी। मतलब कम से कम टाइम में और कम से कम पैसों में जो कार्गो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। आप कौन सी कंट्री में से इंपोर्ट कर रहे हो, उसका ट्रांजिट टाइम क्या है, टीटी क्या है, क्या आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हो, आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, आप अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हो, आप जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसका टीटी ट्रांजिट टाइम कितना लगेगा। कंटेनर जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट से निकलने के बाद 10 दिन में इधर पहुंचेगा, 20 डे में इधर पहुंचेगा, 30 डेज में इधर पहुंचेगा, 40 डेज में इधर पहुंचेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि इंडिया के अंदर दिवाली जो है लाइक नवंबर के महीने में आ रही है, तो कोई बंदा इंडिया के अंदर लाइटिंग, होम डेकोर प्रोडक्ट और सीरीज जो आती है लाइटिंग, वो इंपोर्ट करना चाहता है। सपोज दिवाली जो है 20 नवंबर को है और वो बंदा जो है 1 नवंबर को ऑर्डर देता है कि गुड्स भेज दीजिए, 15-20 दिन में तो पहुंच जाएगा, तो ऐसे नहीं पहुंचेगा, तो उसका ट्रांजिट टाइम देखना पड़ेगा। कस्टम में भी 1-2 दिन जा सकते हैं, तो एडवांस में आपको प्लानिंग करना। लॉजिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की टाइम टू टाइम राइट जगह पे गुड्स पहुंचना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक लॉजिस्टिक के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क का, कि कौन कहां तक रिस्क बेयर करेगा। वो जो रिस्क है वो डिसाइड होता है इंकोटम के हिसाब से, कि कौन से इंकोटम आपने यूज की है। लाइक आपने एक्सवर्क यूज किया है, आपने एफओबी यूज किया, आपने सीआईएफ यूज किया, आपने डीडीपी यूज किया है, कौन सी इंकोटम यूज की उसके हिसाब से यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का रिस्क रहता है। इंकोटम के बारे में इस सीरीज के आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आप इंपोर्ट करते हो तो कौन सा इंकोटम आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन से इंकोटम में आपको इंपोर्ट करना चाहिए, आगे के वीडियो में बताऊंगा। और आप फ्री में एक्सपोर्ट कैसे करना है वो सीखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पे मेरा वीडियो सीरीज है, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज को आप देख सकते हो और आप एक्सपोर्ट कैसे करना है सीख सकते हो। इंपोर्ट के अंदर लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।